हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉकरी दीपक चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना एक वीडियो है, ये एजुकेशनल वीडियोज़ है और इसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे चार्ट पैटर्न। और चार्ट पैटर्न के ऊपर मैंने ऑलरेडी दो वीडियोज़ बनाए हैं, ये अपना थर्ड वीडियो है। तो वो जो दो वीडियो बनाए उनके मैं लिंक दूंगा ऊपर आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में भी और लास्ट में इन स्क्रीन में भी आपको उसके लिंक मिल जाएंगे। तो वो दो वीडियो पहले देखिए तो आपको पता चलेगा कि चार्ट पैटर्न क्या होता है। तो चार्ट पैटर्न में अपना आज का वीडियो है वो है ट्रायंगल पे। तो ट्रायंगल चार्ट पैटर्न कैसे होता है, ट्रायंगल क्यों फॉर्म होता है, पहले कौन सा भी चार्ट पैटर्न बनता है तो उसका रीज़न रहेगा, क्यों बनता है, क्यों फॉर्म कैसे होता है और उसके टारगेट्स रहेंगे। तो हम लोग चार्ट पैटर्न में ट्रायंगल्स आज देखेंगे। थ्री टाइप्स के ट्रायंगल्स हैं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स, असेंडिंग ट्रायंगल्स और डिसेंडिंग ट्रायंगल्स। तो तीनों के भी अलग अलग फीचर्स है, अलग अलग टारगेट्स आते हैं, कैसे आते हैं, क्या होता है, हम लोग देखेंगे चार्ट पे। उसके पहले जो हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाते रहते हैं, वो देख के आप टेक्निकल एनालिसिस और स्टॉक मार्केट सीख सकते हैं, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा फ्री में। तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम लोग अभी जाके चार्ट पे देखते हैं कि एक्चुअली ट्रायंगल्स क्या होते हैं, उनका ब्रेकआउट कैसे होता है और कितने अच्छे आपको टारगेट मिलते हैं। और जब भी कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं काम करेगा, दूसरा भी कोई चीज़ नहीं काम करता है, तो ट्रायंगल्स कैसे काम करते हैं हम लोग आज देखेंगे। बहुत ही अच्छे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, तो आखिर तक देखते रहिए। चलिए हम लोग चार्ट पे जाके देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंटेशन पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स कैसे होता है। चार्ट पे देखने के पहले मैं थोड़ा इसके बारे में आपको समझा देता हूँ कि ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल एक्चुअली कैसे होता है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल ऐसे होता है कि देखिए कि यहाँ से ये जो शेयर्स का कंसोलिडेशन होते होते वो कम हो रहा है, यानी कि जो ट्रायंगल ये जो हाई है लोअर हाई बना रहा है और हायर लोज बना रहा है, यानी कि कंसोलिडेशन हो रहा है। तो ट्रायंगल में क्या होता है, कंसोलिडेशन के बाद किधर कहीं ना कहीं तो ये ब्रेकआउट होगा। तो जहाँ से ब्रेकआउट होगा वहाँ से ऊपर होगा तो बाय आएगा, नीचे आएगा तो सेल आ सकता है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो है वो बोथ साइड ब्रेकआउट हो सकता है, इसके लिए कोई ऐसा रूल नहीं कि ऊपर होगा या नीचे होगा। लेकिन जब भी होगा आपको टारगेट देगा, टारगेट क्या होगा कि इतना जो लेंथ है जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था उतना ही ऊपर या नीचे जा सकता है। अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स या जब दो लाइन इंटरसेक होता है मिलता है यहाँ पे, वहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है तो वो वैलिड ब्रेकआउट नहीं है। तो ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स का हम लोग चार्ट पे जाके देखेंगे कहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स हुआ था, तो हम लोग चार्ट पे जाके देखते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये जो है MRF का एग्जांपल है, फुल स्क्रीन करता हूँ मैं, तो मैं फुल स्क्रीन करके यहाँ पे देखता हूँ। तो फुल स्क्रीन में देखिए, जब आपको ट्रेंड लाइन प्रॉपर डालने को आ गया तो आपको जितने भी चार्ट पैटर्न है आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया और ब्रेकआउट होने के बाद जैसे कि एज पर चार्ट पैटर्न इतना जो डिफरेंस रहेगा लेंथ रहेगा उतना ही वो आपको टारगेट देगा जिस साइड ब्रेकआउट हो जाएगा। और जितना ये ड्यूरेशन लगा है चार्ट पैटर्न बनने को उतना ही वो उसे आधे में उसका टारगेट देगा, हाफ टाइम में वो टारगेट देगा। यहाँ पे देखिए जल्दी टारगेट हो भी गया है। तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स है, और भी आपको एग्जांपल मिलेंगे ऐसे, लेकिन मैं यहाँ पे एक ही दिखा रहता हूँ क्योंकि मुझे और आगे वाले दो दिखाने हैं। तो नेक्स्ट इसमें जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो है असेंडिंग ट्रायंगल्स। तो असेंडिंग दिखाने के लिए मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल देता हूँ निफ्टी का, और उसके पहले हम लोग प्रेजेंटेशन पे देखेंगे कि असेंडिंग ट्रायंगल कैसे रहता है। तो ये जो है असेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल मीन्स क्या है कि इसके हाई सेम है और लो जो है इंक्रीजिंग लो है, मीन्स हायर लोज है, और उसका जो ब्रेकआउट है वो ऊपर ही होगा, इसके लिए असेंडिंग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो सेम हाईज है और जो लोज है वो इंक्रीजिंग है, ऊपर ऊपर जाने वाले, और उसका नीचे नहीं होगा ऊपर ही होगा। और ऑल चार्ट पैटर्न जो है जितने भी
वो कि ऐसे रिवर्सल पैटर्न नहीं है, कंटिन्यू पैटर्न भी है, तो उससे कोई रिवर्सल नहीं होगा, कंटिन्यूशन भी हो सकता है ट्रेंड में। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देखना है तो हम लोग निफ्टी में जाते हैं। तो निफ्टी में एक बहुत बड़ा मूवमेंट आया था, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि ये जो हाई बनाया था निफ्टी ने 2008 में, बराबर है, तो ये हाई कंटिन्यू होते गया आगे, और जिसका लो है, तो इसका लो जो है, ये जो लो था करेक्शन के बाद, बाद में मेरा लाइन जो यहाँ पे टच होता है उसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, तो वो बराबर यहाँ से टच होता है। आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो ब्रेकआउट हुआ था, मैंने बताया कि असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट सिर्फ ऊपर होता है, नीचे नहीं। तो ये जो ऊपर जो ब्रेकआउट हुआ है ये वैलिड ब्रेकआउट है, और ब्रेकआउट देखिए कैसे होता है विद बिग टू ग्रीन कैंडल्स, ये जो होता है फेकआउट रहता है ब्रेकआउट के लिए। अगर ऊपर आ रहा है तो बिग टू ग्रीन कैंडल से होगा, नीचे होता है तो रेड से होगा। और ये जो ब्रेकआउट था, क्योंकि असेंडिंग ट्रायंगल है उसका ब्रेकआउट कभी भी नीचे नहीं होता, तो ये आपको फेकआउट था फंसाने के लिए। तो अभी देखते हैं कि ये जो था 2008 का जो हाई था 6300 के आसपास, 62 कुछ 50 वगैरह आता है, तो ये जो है वो यहाँ पे ब्रेकआउट किया, तो हमको इसका ऊपर का टारगेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे कि ये जो लो है, तो मैं मोटा मोटी बोलता हूँ 6000, ये 2000, यानी कि कितना डिफरेंस हुआ 4000 का, और तो कितना ऊपर जाना चाहिए 4000 पॉइंट ब्रेकआउट के बाद। और ये जो हाई था, ये हाई था 6000, तो 4000 इसमें आप ऐड करते हो तो हो जाता है 10000, वो टारगेट कभी आएगा। तो ये जो जहाँ से फॉर्मेशन चालू हुआ 2008 से, या ब्रेकआउट हुआ 2014 यानी 2014 को, तो ये टोटल जो ईयर्स है 6 ईयर्स है, 6 साल, तो उसके आधे टाइम पीरियड में होना चाहिए। तो 14 में जो ब्रेकआउट हुआ था उसमें आप 3000 ऐड करते हो तो कितना आता है 2017, 2017। तो 2017 में, यहाँ तक 2017 में मार्केट जो है उसने 10000 कंप्लीट किया था। तो ये जो टारगेट है ओनली और ओनली चार्ट पैटर्न जो है अपना, ये जो ट्रायंगल है उसके हिसाब से ही मिला था। जब ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है तो आपको सप्लाई जोन नहीं होता है, तो इसमें चार्ट पैटर्न कभी भी ऐसे काम आता है, आपको एकदम बहुत ही अच्छे अच्छे आपको ब्रेकआउट बता सकता है, और आपको टारगेट भी बता सकता है और टाइम भी बता सकता है। थर्ड हम लोग देखते हैं, थर्ड जो है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का क्या होता है कि लोअर हाइज बनाता है और सेम लोस, तो इसका मोस्टली ब्रेकडाउन जो है वो नीचे ही होगा, ऊपर नहीं होगा। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, तो इसके मेरे पास शायद दो रहेंगे, एक निफ्टी में भी है। तो निफ्टी में मैं अभी यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ए पे है ए वाला जो है डिसेंडिंग, और डिसेंडिंग ट्रायंगल्स, तो डिसेंडिंग ट्रायंगल जो है लोअर हाइस एंड सेम लो जो यहाँ पे थे, और ब्रेकआउट जो होना चाहिए, जो किसके पहले होना चाहिए कि ये जो इंटरसेक होने के पहले होना चाहिए, तो ए टारगेट है। दूसरा जो है मेरे पास और भी एक है एलडीएल में, तो एलडीएल में दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए, और दूसरा जो लोज है उसके सेम लोज। तो मोस्टली आपको ऑब्जर्व करना है, जब भी लोअर हाई मारता है स्टॉक और यहाँ पे कोई आपको लाइन दिख रहा है, तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल होगा, और उसका कभी कभी इतने फास्ट भी टारगेट हो जाता है। तो जब भी ऐसा कोई एक आधा शेयर कर रहा है तो आप उतना भी केयरफुली हो सकते हैं कि शायद ये फटाक से नीचे जा सकता है। ये जो है लोअर हाई, लोअर हाई, तो ये क्या डाउन ट्रेंड में था ऑलरेडी, खाली यहाँ से इतना ब्रेक करने का बाकी था और फटाक से टारगेट दिया, और टाइम देखने का जरूरत भी नहीं कभी हुआ, बहुत ही 3 ही कैंडल में हो गया है। तो ये जो पैटर्न है चार्ट पैटर्न, अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो काम करेंगी ट्रेडिंग के टाइम पे, लेकिन ये चार्ट पैटर्न है, ये मैंने आपको बताया क्लासिक फॉर्म ऑफ टेक्निकल एनालिसिस है, तो ये आपको बार बार नहीं मिलेंगे, लेकिन जब भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस में काम कर रहे हो, डिमांड सप्लाई पे काम कर रहे हो, तो ये बीच बीच में आपको मिलेंगे एज ए बोनस करके समझ लेना। लेकिन आप ट्रेंड लाइन का प्रैक्टिस ये रखो, कंटिन्यू रखो, तो आपको ऐसे चार्ट पैटर्न बहुत सारे मिल जाएंगे, और उसके बाद प्रैक्टिस ही ये सब आपको दिख जाते हैं।
तो मैं ज़्यादा एग्जांपल नहीं देता हूँ, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ आपको एक एक सिंगल सिंगल एग्जांपल दिया, और लास्ट का टू एग्जांपल्स मैंने आपको दिया है। तो ऐसे मैं वीडियो लाते रहूँगा, आपके कमेंट्स दीजिए, एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो हाय फ्रेंड्स, कैसे लगा ये आपको वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए, तो दूसरे लोग भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं और लोग भी इसको देख सकते हैं। और आपके कमेंट्स भी दीजिए, क्योंकि आप कमेंट देते हैं तो मैं, जैसे कि मेरा वीकली व्यू रहता है, उसमें मैं आपके कमेंट्स कवर करूंगा। कौन से स्टॉक के बारे में, कौन से लेवल जानना है आपको, उसका स्टॉक के बारे में क्या होगा, ये मेरा, मैं अपना टेक्निकल व्यू उसके ऊपर दे दूंगा। और सेकंड, अगर आपको मेरे साथ आके पूरा टेक्निकल से सीखना है एडवांस में, और वो भी प्रोफेशनली, तो आप हमारे INI ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट में आके मेरे साथ लाइव मार्केट में सीख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको उसके डिटेल देता हूँ और मेरा नंबर भी देता हूँ, तो आप व्हाट्सअप करके मेरे से डिटेल ले सकते हैं और हमारे साथ आके टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।